अस्सलामुअलैकुम चैनल बिस्मिल्लाह रसोई में आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बड़े के पाए बनाने की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाए का खुद का अपना एक जायका होता है, तो इसमें हमें कुछ ज़्यादा मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही लाइट मसालों के साथ एकदम शानदार बनकर तैयार हुए हैं। तो जल्दी से चलते हैं इसकी ईजी और मज़ेदार रेसिपी की तरफ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये हमने दो बड़े के पाए लिए हैं, इसको हमने गर्म पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। गरम पानी से जो इन पर बाल चिपके होते हैं वो आसानी से निकल जाते हैं। और ये हमने लिया है 1 टीस्पून ज़ीरा, 6 से 7 लौंग, 2 टुकड़े दालचीनी के, 3 तेज़पत्ता और 10 से 12 काली मिर्च और 4 हरी इलायची। तो चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सभी पाए को एक कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और इसमें हम ऐड करेंगे 2 गिलास पानी। पानी हम इसमें ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, हम सिर्फ इतना ही ऐड करेंगे जितना हमें ग्रेवी में चाहिए होगा। और ऐड कर देंगे सभी मसाले और टेस्ट के हिसाब से नमक। और अब हम इसमें बॉईल आने का इंतज़ार करेंगे। ये देखें बॉईल आ चुका है, अब हम इसको कर देंगे कवर और फ्लेम को कर देंगे लो। हम पाए को लो फ्लेम पर ही आधे से पौन घंटा गलाएंगे। अगर हम फ्लेम हाई रखेंगे तो प्रेशर के साथ इसका सारा पानी बाहर आ जाएगा, इसलिए हम फ्लेम को लो ही रखेंगे। तो चलिए हम आपको मिलेंगे अब आधे घंटे के बाद। आधा घंटा गुजर गया है और प्रेशर भी रिलीज हो गया है। चलिए कुकर ओपन कर लेते हैं और सभी पाए अच्छे तरीके से गल चुके हैं, ये देखें आप। और अब हम प्रेशर कुकर को एक साइड रख देंगे। तो चलिए ग्रेवी के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। एक लेंगे छोटी प्याज बारीक कटी हुई और 2 बड़े साइज की प्याज का हम पेस्ट बना लेंगे। और लेंगे 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। गैस को करेंगे ऑन और एक दूसरा बर्तन लेंगे। ऐड करेंगे 150 ग्राम ऑयल। ऑयल गरम हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून जीरा और हम ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई प्याज और इसको फ्राई कर लेंगे। प्याज फ्राई हो चुकी है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज का पेस्ट और इसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे ड्राई मसाले और इनको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और साथ ही ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी। और अब ऐड करेंगे नमक, नमक थोड़ा ही ऐड करेंगे क्योंकि हमने पाए उबालते टाइम भी उसमें ऐड किया था। और इसको अब अच्छे से भून लेंगे। और ये सभी पाए हमने कुकर में से एक बर्तन में निकाल लिए हैं। मसाला हमारा अच्छे तरीके से भून चुका है, ऑयल भी अलग हो गया है और आपको भी मसाला बहुत अच्छी तरीके से ही भूनना है, ये देखें आप। और सभी पाए हम ट्रांसफर कर देंगे इस बर्तन में और पाए को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और सारा पानी छानकर हम ग्रेवी में ऐड कर देंगे। और अब हम इसको 10 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर ऐसे ही पकने देंगे। इस स्टेज पर आप नमक और ग्रेवी की थिकनेस चेक कर सकते हैं। अगर आप इसमें ग्रेवी थोड़ा पतली रखना चाहते हैं तो इसमें गर्म पानी ऐड कर दीजिए। पानी हम इसमें गर्म ही ऐड करेंगे अगर आपको ग्रेवी की थिकनेस पतली रखनी है। हमने नमक टेस्ट किया, हमारा नमक बिल्कुल ठीक है। 10 मिनट गुजर चुके हैं और
ये देखें आप, शानदार पाए बनकर तैयार हैं। और अब हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। तो चलिए अब करते हैं इसको डिश आउट। और गार्निशिंग के लिए ऐड कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। ये रहा पाए का फाइनल लुक। आप पाए को गर्मा गर्म चपाती, नानो, तंदूरी रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बने हैं। और इनकी खासियत ये है कि जब आप पाए को खाएंगे तो खाते टाइम आपकी फिंगर्स आपस में चिपक जाएंगी। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। हमारे तरीके से जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको पाए चपाती या तंदूरी रोटी किसके साथ खाने ज्यादा पसंद है। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अब हम मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में एक नई और इजी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।